कैसे दुश्मन के छक्के छुड़ाएगा भारत का पहला यूएवी बॉम्बर FWD-200B। बेंगलुरु की फ्लाइंग वेज कंपनी ने भारत के पहले स्वदेशी बॉम्बर यूएवी एयरक्राफ्ट FWD-200B का बनाया है। ये यूएवी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अपनी लागत के दम पर यह एयरक्राफ्ट कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सॉल्यूशन में भी भारत को मजबूत पोजीशन में स्थापित करता है। कैसे दुश्मन के छक्के छुड़ाएगा भारत का पहला यूएवी बॉम्बर FWD-200B। स्वदेशी यूएवी बॉम्बर 6 मीटर लंबा है और इसका विंगस्पैन 8 मीटर है। भारत को रक्षा क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सालों की कोशिशों के बाद देश को अपना पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी मानव रहित हवाई वाहन एयरक्राफ्ट मिल गया है। इसका नाम FWD-200B रखा गया है। दुनिया को इसकी पहली झलक बेंगलुरु में एक समारोह के दौरान देखने को मिली। बेंगलुरु की फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज ने इसे बनाया है। इस यूएवी की खास बात है कि इसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। FWD-200B रणनीतिक रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक अहम कदम माना जा रहा है। इसकी तुलना अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन से भी की जा रही है, जो भारत को FWD-200B के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कीमत का पड़ता है। भारत को एक अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन 250 करोड़ रुपए का पड़ता है, जबकि यह स्वदेशी यूएवी महज 25 करोड़ रुपए में उपलब्ध होगा। FWD-200B एक मध्यम ऊंचाई लंबी एंड्योरेंस मेल वाला लड़ाकू वाहन है जो 100 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है। ये ऑप्टिकल निगरानी पेलोड और सटीक हवाई हमले के लिए मिसाइल जैसे हथियारों से लैस है। इसकी अधिकतम स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक ऑफ के समय ये 498 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। जमीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक यूएवी को कंट्रोल किया जा सकता है। फ्लाइंग वेज ने 2023 में अपनी स्वदेशी यूएवी तकनीक के लिए DGCA टाइप सर्टिफिकेशन हासिल किया था। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 100 किलोग्राम है। इसकी एंड्योरेंस का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये बिना रुके 12-20 घंटे तक आसामन की ऊंचाई में उड़ान भर सकता है। सी लेवल से 9000 फीट की ऊंचाई पर भी FWD-200B मानव रहित एयरक्राफ्ट ठीक तरह से काम करने में सक्षम है। काफी समय से था घरेलू लड़ाकू यूएवी का इंतजार। भारत में काफी समय से घरेलू लड़ाकू यूएवी के निर्माण को लेकर कोशिश चल रही थी। DRDO के तपस और रुस्तम जैसी परियोजनाएं भी इसी सिलसिले में थी, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। अब बेंगलुरु की फ्लाइंग वेज ने देश के लंबे इंतजार को खत्म कर दिया है। कंपनी के अनुसार FWD-200B का निर्माण भारत की मेक इन इंडिया पहल का नतीजा है। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस के संस्थापक सुहास तेजस कदा ने इस मौके पर कहा, 15 सालों से भारत का अपना लड़ाकू यूएवी एक दूर का सपना बना हुआ था। FWD-200B के लॉन्च के साथ भारत न केवल इस सपने को पूरा करता है, बल्कि उन्नत लड़ाकू विमान क्षमताओं वाले देशों की लीग में भी शामिल हो गया है। इसे आर्म्ड फोर्सेस में शामिल करने पर काम चल रहा है। अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन से किस मायने में बेहतर है स्वदेशी FWD-200B। कुछ महीनों पहले ही अमेरिका ने भारत को 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन देने की डील को मंजूरी दी थी। इस सौदे की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की पिछले साल की अमेरिका यात्रा के दौरान ही हो गयी थी। 31 ड्रोन के अलावा कई और हथियार भारत को बेचे जाएंगे। पूरे सौदे की अनुमानित लागत लगभग $4 बिलियन लगभग 32,000 करोड़ रुपए है। FWD-200B जैसे प्रभावी घरेलू लड़ाकू वाहन होने से न केवल आत्मनिर्भर को बढ़ावा मिलता है, बल्कि भारत को कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सॉल्यूशन में मजबूत पोजीशन में स्थापित करता है।